तो भाई लोग अब देख सकते हैं एक दूसरा फ़ोन लिया है जो कि है वीवो Y20G 2021, जिसके प्राइस हैं 18,500 रुपये। नहीं नहीं इसका तो 13,200। कोई बात नहीं, 18,000 में भेजते हैं। सॉरी भाई, ये 13,200 का है क्योंकि ये 4GB वेरियंट में है। अगर आप 8GB में लेते हैं तो आपको 18,000 समथिंग पड़ेगा। 25,000 हुआ। देख सकते हैं आप, अब हम लोग इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता। तो भाई लोग देख सकते हैं, अब देखते हैं इसमें क्या क्या मिलता है, क्या क्या फीचर्स हैं इसमें और क्या क्या साथ में प्रोवाइड करते हैं वो लोग। तो सबसे पहले तो ये कवर देते हैं जो कि बैक कवर है, बहुत ही अच्छा है, ट्रांसपेरेंट है, लेकिन ये थोड़े दिन में पीला हो जाएगा, बट कोई नहीं, उसके बाद दूसरा डला लेंगे। सही बात। और फिर ये मैनुअल कार्ड है जो कि इसमें सिम कार्ड ट्रे को जो निकालने के लिए देते हैं, और मैनुअल इसमें है जिसमें लिखा होता है कि कैसे चलाना है, क्या क्या करना है आपको। फिलहाल तो इसकी हम लोगों की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग पहले ही फ़ोन चला चुके हैं, वो सब जानते हैं। तो हम वो सब जानते हैं, ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, ठीक है, उसमें पढ़ सकते हैं आप क्या क्या है इसमें। आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, बट हमें इसकी ज़रूरत नहीं है तो हम लोग नहीं पढ़ेंगे इसको। हेलो हेलो। और अब हम आपको दिखाते हैं फ़ोन और चार्जर। देखा? ये है फ़ोन। चलिए चार्जिंग लगाई। तो भाई ये फ़ोन मेरे दोस्त का लगा। तो भाई आप देख सकते हैं, ये लुक देख सकते हैं जो कि ब्लैक है, ब्लैक ब्लैक और ग्रे मिक्स है इसमें, दोनों कलर मिक्स है, ब्लैक पर्पल, जो कि देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है, प्रीमियम लुक लग रहा है और बहुत स्लिम भी है। इसका साइड फिंगर है, दोनों फ़ोन पहले से अनबॉक्सिंग कर रखे थे, मतलब ऑन कर रखा था हम लोगों ने पहले ही, क्योंकि चेक करने के लिए जो नया फ़ोन लेते हैं तो चेक करना बहुत ज़रूरी होता है कोई भी कमी हो उसके लिए। क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था कि फ़ोन लिया, फ़ोन 8GB में लिया, जो वेरियंट था वो 4GB था, उसमें अंदर देखा तो 4GB निकला और ये भी 4GB है। फिलहाल ये 4GB में ही लिया है। को साथ में हम लोगों को मिल जाता है चार्जर जो कि फास्ट चार्जिंग है, ये मिल जाता है कितने वाट का चार्जर, ये चार्जर मिल जाता है जो कि फास्ट चार्जिंग है। और ये पार्टी भी दी है इन्होंने, देखो कोल्डिंग वोल्डिंग दी है, बट कोई नहीं। ये डेटा केबल मिल जाता है जो कि टाइप सी पोर्ट का है, बहुत अच्छी चार्जिंग होती है और फास्ट चार्जिंग होती है, टाइप सी है ना। तो भाइयों हम लोगों ने नई नई अनबॉक्सिंग स्टार्ट की है, तो ये टाइप सी पोर्ट का नहीं है, ये नॉर्मल है जो भी हम लोग रखते हैं। देख सकते हैं जो कि मिनिमम इसकी लेंथ भी बढ़िया है, 5-3 मीटर तक की है।